हेलो गाइज़ स्वागत है आपका यूनिक मेडिसिन की एक और नई वीडियो में तो गाइज़ आज इस वीडियो में हम आईवूकॉन 200 प्लस टैबलेट की बात करेंगे तो दोस्तों ये जो टैबलेट है वो एक एन क्लास मेडिकेशन है मतलब गाइज़ ये मेडिसिन एन मेडिसिन है मेडिसिन होती है जिसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडियल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग तो गाइज़ एक ऐसी दवाई जो आपके पेन और इन्फ्लामेशन फीवर वगैरह के लिए यूज़ की जाती है मतलब डॉक्टर इसको इन तीनों कंडीशन में प्रस्क्राइब करते हैं दोस्तों ये आईबू प्रोफिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेसन रहता है इसके अंदर आईबू प्रोफिन रहता है गाइस 200 सौ और पैरासीटामोल रहता है इसके अंदर में 325 सौ तो दोनों का जो स्ट्रेंथ होता है वो 525 हंड्रेड की स्ट्रेंथ में मेडिसिन हो जाती है और गई इसके अगर हम बेनिफिट्स देखें इसके फ़ायदे देख लें कि क्या फ़ायदे करती है किस किस मरीज़ को दी जाती है तो दोस्तों ऐसे मरीज़ जिनको दर्द बुखार या फिर सूजन जैसी समस्या है तो इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है दोस्तों फ़ीवर की बात करें तो जब भी किसी को फीवर होता है शरीर में बुखार होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर है ये राइज़ होने लगता है मतलब कि बढ़ने लगता है नॉर्मल टेम्परेचर से तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है इस बुखार को रिड्यूस करती है कम करती है और रोगी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है तो रोगी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करती है तो इसका फ़ीवर के केस में हो जाता है काम सेकेंड अगर हम बात करें तो पेन अगर किसी को पेन है दर्द है दर्द की हम बात करें जैसे कि मान लीजिए किसी को दांत दर्द हो रहा है या कोई चोट लगी है चोट लगने पर छिल गए या फिर जो है कोई कट लग गया कट में दर्द हो रहा है कोई घाव है घाव में दर्द हो रहा है या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो गया कोई इंजरी हो गई है इंजरी मतलब कोई चोट वगैरह लग गई है या कोई छोटी मोटी माइनर जो है कट घाव है सर्जरी है हल्की फुल्की और इस तरह की जो समस्याएं होती हैं इनमें जो दर्द होता है इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है तो ये एक पेन किलर का भी काम करती है मतलब दर्द के लिए ख़त्म करती है दोस्तों ये हमारे ब्रेन में जो पेन कॉज करने वाले केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो दर्द की अनुभूति कराते हैं तो ऐसे केमिकल मिसेंजर्स यानी ऐसे सिग्नल को ब्रेक करती है ऐसे सिग्नल को ब्रेन से जाने से रोकती है जिससे जो है मरीज़ को पेन नहीं होता है और मरीज़ रिलैक्स फील करता है थर्ड कंडीशन की बात करें गाइस कि अगर किसी मरीज़ को स्वेलिंग हुई है इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ है स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन है तो उस कंडीशन में काफ़ी अच्छा वर्क करती है कि मान लीजिए मरीज़ को कहीं एक्सीडेंट हो गया या किसी ने मार पीट कर दी या फिर लाठी डंडे की चोट लगी है तो उस कंडीशन में मान लो मरीज़ का ये हैंड है और हाथ में उसको चोट लग गई हाथ में उसको मसल्स जो है सूज गए हैं पेन भी है स्वेलिंग भी है तो मसल्स में चोट लगने से या डंडा लगने से या बाइक से एक्सीडेंट होने से क्या होगा कि यहाँ पर मसल्स के अंदर या हड्डी के अंदर पेन भी होगा उसको सूजन भी हो जाएगी तो ऐसे पेन और सूजन को ठीक करती है और गैस जब ये पेन सूजन बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में बुखार भी आ जाता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसी तीनों कंडीशन को ये ठीक करती है तो ओवरऑल गाइज दर्द बुखार सूजन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों यहाँ आप एक इंडिकेशन देख सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि पैरासीटामोल का जो है अगर आप एक्सिस डोज ले लेते हैं ओवर डोज ले, ले लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी जो है मरीज़ को आ सकते हैं जैसे कि मरीज़ का लीवर डैमेज हो सकता है सीरियस साइड इफ़ेक्ट में चेहरे पर सूजन आ सकती है निगलने में तकलीफ़ होगी सांस लेने में तकलीफ़ होगी इसके अलावा स्किन पर रेडनेस रैसेज़ वगैरह हो सकते हैं तो ऐसी कंडीशन जो है बन सकती है तो इसलिए कभी भी आप कोई भी मेडिकेशन करते हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर से एडवाइस करके ही करें ऐसे खुद से ना लें दोस्तों इसके अगर हम डोज को देखें तो डोज़ जो है हमेशा डॉक्टर की सलाह से ली जाएगी स्टडी के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक एडल्ट के अंदर जो ये टैबलेट है वो दिन में एक एक टैबलेट सुबह शाम या फिर ज़रूरत पड़ने पर तीन टाइम तक ली जा सकती है और ये सिर्फ आपके डॉक्टर की सलाह से रहेगी वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के एमआरपी की तो तो गाइज़ ये एक जेनरिक दवा है इसका जो है एमआरपी आर पी आठ रुपये पच्चीस पैसे आप देख रहे हैं तो आठ से दस रुपये में जो है नॉर्मल ये टैबलेट मिल जाते हैं जो कि आप मेडिकल स्टोर या फिर ऑनलाइन फार्मेसी वगैरह से ले सकते हैं तो गाइज़ ये थी आज की इस वीडियो में टैबलेट आईवू 200 प्लस के बारे में जानकारी यानी कि पैरासीटामोल और आईवू प्रोफिन टैबलेट की जानकारी उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं तो गाइज़ इन्हीं विशेष के साथ आप सेफ रहें आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में जय हिंद जय भारत